ये सही और विराट कहाँ रह गए? मोहित फोन लगा? नहीं काकू, अभी भी नॉट रीचेबल ही आ रहे हैं। सम्राट बापा की पूजा कब शुरू होगी? इस बार विसर्जन तो हम घर पे ही करने वाले हैं, तो महाभोज के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होगा तब कर लेंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ सही और वीरू का। I just hope कि वो ना मुहूर्त से पहले पहले आ जाए। अरे वो तो आ ही जाएंगी। देखो मैं तो इसलिए खुश हूँ भाई कि पहले दिन भी सही पूजा करके गई थी और आज आखिरी दिन भी, विसर्जन के दिन भी वो पूजा करने आ रही है। पापा का आशीर्वाद रहेगा उसके ऊपर। सुन रही हो ना, पापा का सारा आशीर्वाद तो सही को ही मिले। वो क्या है, हम तो बेवकूफ हैं, रात दिन इनकी पूजा अर्चना जो करते रहते हैं। करती तो अश्विनी काकू। क्या बहू की तारीफें? अपनी बहू की तारीफें? मैंने तो कभी किसी सास को अपनी बहू की इतनी तारीफें करते कभी नहीं सुना। आई हो ना, तुम्हें सुननी है तुम्हारी तारीफ? हाय तो थोड़ी सी समझदारी वाली बातें भी करो ना। समझदारी वाली बातें मतलब? मेरे जैसी तमकरा। देवा सही बस अभी पहुंचती होगी और अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं उसके। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ रही है। सबको देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं बप्पा के विसर्जन के लिए। लेखा, जिस तरह से उसके स्वागत की तैयारी हो रही है और जिस तरह से घर के सदस्य उसके लिए दीवाने हो गए हैं, किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी है। क्यों दादा, सही बोला ना मैंने? हाँ ओमी, समझ रहा हूँ मैं तू जो कह रहा है और कह के भी जो नहीं कह रहा, सब समझ रहा हूँ। लेकिन एक बात बता, तू ये बात क्यों नहीं समझ रहा है? सही के घर आने की हमें खुशी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं हम? खुशियां मना सकते हैं, नाचेंगे गाएंगे यही करेंगे ना। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कौन सा आइडिया? गाने का, नाचने का। अब सही आएगी ना तब मैं उसके लिए हारमोनियम भी बजाऊंगा और उसकी पसंद का गाना भी गाऊंगा। अरे वाह अब बात है मामा, इसी बहाने मुझे भी निनाद मामा का टैलेंट देखने को मिल जाएगा। वाह ओमकार, वाह, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैंने कौन सा आइडिया दिया ये? लेकिन अश्विनी, आज जब तुम्हारा बेटा आएगा ना, उसे ठीक से समझा देना, मेरी बहू का ठीक से ख्याल रखे, वरना उसकी खैर नहीं। वो तो सही का ख्याल रखेगा ही, लेकिन इस बार मैंने सही और विराट के लिए कुछ और ही सोच के रखा है। और मैं जानती हूँ जो मैं करने वाली हूँ उसी में दोनों की भलाई है। अश्विनी। हो वैनी। डॉक्टर ने सही को क्या ख्याली पुलाव खाने के लिए बोला है? मंडे, मैं नहीं समझी क्या हुआ? नहीं, यहाँ खड़े खड़े तो ख्याली पुलाव ही पक सकते हैं, है ना? अय्या, तो पुलाव? नहीं नहीं नहीं, मैं बस अभी जा ही रही थी। अच्छा अच्छा, क्या बनाने का सोचा है? वो मैंने सोचा है थोड़ा दाल खिचड़ी बनाऊंगी और कम मसाले वाली सब्जी बना दूंगी, बस इतना। और उसे थोड़ा वो मोदक अच्छे लगते हैं ना, तो बस दो चार मोदक बना दूंगी। मैं तेरी मदद करने आती हूँ। आज वहिनी, आप खाना बनाएंगी? बड़ी मामी, आप वाकई सही के लिए खाना बनाएंगी? अरे आप सब इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आज मेरा मन कर रहा है सही के लिए कुछ खाना बनाने का। आज मैं उसके लिए मोदक बनाऊंगी, उकड़े से मोदक। वाकई में सही अपने किस्मत सुनहरी कलम से लिखवा के आई है, तभी तो आप उसके लिए खाना बना रही है ना? अरे सही की वैसे किस्मत तो हमारी खुल गई है, जो इतने सालों बाद बड़ी मामी के हाथों के मोदक खाने को मिलेंगे।
वैसे हम सब जितना हैरान हो रहे हैं उतना हैरान होने की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सई के तो जन्मदिन बर्थडे वार्ड दिवस पे वहिनी ने खाना परोसा था। आज वहिनी उसके लिए खाना बना रही है, वो भी उकड़ीचे मोदक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ गणपति बाप्पा को प्रसन्न किया जा रहा है या सई को? मस्त मस्त। सोनाली, शायद तू भूल रही है कि मैं भी इस घर की बहू हूँ। क्या आज से पहले मैंने इस घर में कभी खाना नहीं बनाया? ये पहले की बात नहीं कर रही हूँ वहिनी, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मतलब आप मुझे बताइए, कभी जिंदगी में आपने मेरे लिए या मेरी बहू के लिए ऐसा खास खाना बनाया है? बताइए। सोनाली, आज तो रसोई में मत आना, सही के लिए सादा खाना बनने वाला है। और मेरे खाना बनाने की बात सुनकर जितनी मिर्ची तुझे लगी है ना, उसे आधी भी अगर बेचारी सही के खाने में गिर गई तो उसकी तो सेहत खराब हो जाएगी। सुट्टो, सही भाभी ने तो सबको बदल दिया। पता नहीं मेरी सास कब बदलेगी। कुछ कहा तुमने? नहीं, इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बोल रही है? जोर से बोलना। फिर देख, तेरी सास ने तेरी सास ना रोक दी ना, तो तेरी सास का नाम सोनाली नहीं, समझी? अरे अरे सोनाली सोनाली, शांत शांत शांत। आज इतना अच्छा दिन है, विसर्जन है, अभी शुभ दिन के अवसर पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती ना। और ऊपर से आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है? वही वही। मैं ये सोच रही थी, मतलब खाना बनाने तो अंदर जा रही है, लेकिन डॉक्टर ने आपको ज्यादा देर खड़े रहने से मना किया है ना, आपके घुटनों में दर्द है, तो फिर आज मैंने सोच लिया है सही के लिए खाना बनाने का, तो बनाऊंगी। अब उसे मेरे हाथ का पसंद आता है नहीं आता है वो नहीं पता। पत्र लिखा भाभी, ऐसा क्यों लग रहा है कि हवा का रुख कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है? देखना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब सही भाभी इस घर की सबसे चहेती बहू बन जाएगी। मैं तो बस बता रही हूँ। अरे पसंद क्यों नहीं आएगा वही नहीं, उल्टा वो तो बहुत खुश हो जाएगी कि उसके स्वागत में आपने खुद उकड़ीचे मोदक बनाए हैं। नहीं वही नहीं, वाकई ये मोदक बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात तो है, आप तो मोदक बनाने में रसोई में बिजी रहेंगी, सही आएगी तब उसे ठीक से मिल नहीं पाएंगे आप। अरे सच में सही घर वापस आ रही है ना, कोई फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी तो नहीं? अरे सही घर वापस आ रही है, अब वो यहीं पे रहेगी। अब इसके लिए इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है, वो क्या खाएगी, उसे क्या पसंद है? सही है वो सही, बस कीजिए अब आप लोग, मैं सच में बोल रहा हूं बहुत हो गया। ओमकार जी शांत हो जाइए। वहिनी आप ये सब बातें छोड़िए, आप तो अपने घुटनों का भी ख्याल नहीं कर रही हैं। मतलब आपने पहले सई के लिए 100 प्रदक्षिणा की और अब उसके लिए खड़े रहकर खाना बनाएंगी। नहीं मतलब इन सब चीजों में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना? मस्त मस्त। सोनाली, किसी की चिंता करना और किसी की चिंता करने का नाटक करना, इसमें क्या फर्क होता है, ये आज मुझे पता चला। अरे देवा, वहिनी आपको क्या लगता है मैं नाटक ड्रामा नौटंकी कर रही हूँ? सब समझती हूँ मैं, आज तुझे मेरी चिंता सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सई के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, इन बातों में हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। अश्विनी, रसोई में सब सामान रखा है ना? हो वहिनी। ठीक है, मैं मोदक बनाती हूँ, चल। ये 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 हाय, आप मोदक बना रहे हो? अश्विनी काकू, तो जब मैं छोटी थी ना, तो मैं स्कूल जाती थी ना, तो आई रोज मेरी टिफिन में मस्त मस्त वाला खाऊ बना के देती थी और मेरी सारी फ्रेंड्स को आई के हाथ का खाना इतना अच्छा लगता था ना। आई अब सच में खाना बना रहे हो? आज मैं सई के लिए मोदक बना रही हूँ और आज मैं जो भी बनाऊंगी खास सई के लिए ही बनाऊंगी।
ये ये आई सही के लिए मदद बना रही है, आई सही के लिए मदद बना रही है। थैंक यू आई। अब करिश्मा तू मेरी मदद करेगी। मैं अपनी सास को क्या देख रही है? मेरा पूछना और हुक्म देना एक जैसे ही होता है। ओहो अगदी बरोबर है, आपका हुक्म आदेश ऑर्डर कौन टाल सकता है। जा करिश्मा जा। सोनाली मैं करिश्मा को इसलिए मदद करने के लिए बुला रही हूँ ताकि जब सही आए तो अश्विनी यहाँ रुके, उसका ध्यान रखे। मैं रसोई तो संभाल लूंगी, अश्विनी तुम अपनी बहू को संभाल। आई मैं भी आपकी मदद करूँ? हाँ कर माझी मदद। चलो दोनों। वाकई मुझे चिंता हो रही है, इन दोनों को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मोहित क्या हुआ, फोन लगा कि नहीं? नहीं लग रहा काका, ट्राई कर रहा हूँ। अरे दादा सब्र करो, पिछले एक घंटे से एक ही रट लगा के रखे हो। नहीं नहीं ना दादा, नो सब्र, आप ना सही के लिए अपनी चिंता जारी रखिए। ये क्या कह रहे हो शिवानी तुम? वही उम्मीद दादा जो आप सुन रहे हैं। देखो ना इतनी मुश्किल से तो नीना दादा सही की चिंता कर रहे हैं, अब मैं नहीं चाहती कि नीना दादा फिर से वही पहले जैसे हो जाए, वही सही की बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, उसको ताने मारना। मुझे तो ये वाले नीना दादा ना बहुत पसंद आ रहे हैं, कितने बेटर हो गए हैं ना, क्यों है नहीं? बस दादा अब ऐसे ही रहे, सही को वो मान सम्मान दे जो एक अच्छे ससुर अपनी बहू को देते हैं। ओहो सही आ गई, देवी आ गई है। चलो चलो चलते हैं, चलो। आप कहाँ चल दी? वैसे तो हमेशा सही की शिकायतें करती रहती हैं, आज आपको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सही के पास जाने की। मुझे तो लगता है कलयुग की शुरुआत स्टार्ट प्रारंभ यहीं से हो रहा है, मतलब घर की सबसे छोटी बहू के आने के सम्मान में घर की सबसे बड़ी बहू खाना बनाने गई है। सोनाली वहिनी आपने ना आंखों पे नेगेटिविटी के चश्मे लगा रखे हैं, इसीलिए आपको हर जगह बस यही दिखाई देता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अब शिवानी मौसी, सोनाली मामी प्लीज आप लोग अभी बहस मत कीजिए, सही देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सम्राट, सही को बुरा जरूर लगेगा। मैं ना एक काम करती हूँ, एक बड़ी सी फूलों की माला बना लेती हूँ, है ना? तो जब सही आएगी तो हम सब उसे वो माला पहनाएंगे, ठीक है? वाह बद्रलेखा, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। जल्दी से जाओ और फूलों की माला ना लेके आओ, कितना प्यार आ रहा है ना तुम्हें सही पे। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। जाओ जाओ जल्दी से लेके आओ माला, और ना तुम ही पहनाना माला को, ठीक है? रहने दीजिए ना शिवानी मौसी, अब आप सब लोग इतने खुश हो रहे हैं सही के आने की खुशी में, तो मेरी माला उस भीड़ में कहाँ खो जाएगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, है ना? और एक बात मैंने जरूर नोटिस की है कि जो लोग पहले इस घर में सही के खिलाफ हुआ करते थे, आज उनके मन में सही के लिए सारा का सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। चलो अच्छा ही है, अब तो इस घर में कोई कटकट, कोई बहस, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। मुझे तो पहले बस निनाद मामा और बड़ी मामी की चिंता होती थी क्योंकि आप दोनों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो मुझे वो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सही जो है अब तो सही जो मर्जी है जैसे मर्जी है वैसे करेगी। आप लोगों को तो बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि अब तो सही की सारी गलतियां माफ जो हो चुकी है, है ना निनाद मामा? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम, हम क्या हमेशा झगड़ा लड़ाई यही करते रहते हैं? देखो इससे पहले जो भी हुआ उससे ये हकीकत तो बदल नहीं जाती है ना, ये सही हमारी बहू है। माना मैं वहिनी बड़े पुराने ख्यालात के हैं, आप बच्चों की तरह अपनी परवाह अपना प्यार हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सही के लिए हमारे मन में कोई प्यार कोई परवाह नहीं है।
वेलकम वेलकम। आ जा। अरे ये क्या है, ये सर पे कुमकुम कैसा? आई वो विसर्जन में रंग लग गया था रास्ते में। अच्छा चलो चलो आ जाओ। अरे रुको सही, पहले अश्विनी मामी तुम्हारी आरती उतारेगी है ना? अरे वो आज पहली बार थोड़ी ना आ रही है घर में। हाँ पहली बार तो नहीं आ रही अश्विनी मामी, लेकिन सही जब भी घर छोड़ने के बाद फिर से वापस लौटी है तो आप तो इसकी आरती उतारती है ना। मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या अश्विनी मामी? पत्र लिखा, तुम इस वक्त ऐसी बात क्यों कर रही हो? सही जिंदगी और मौत की जंग जीत कर वापस आई है। तभी तो मैं सही की आरती उतारने को कह रही हूँ सम्राट, क्योंकि मुझे भी तो सही की परवाह है। अब सही की आरती उतर जाएगी तो सही को किसी की भी नजर नहीं लगेगी है ना? रियली पत्र लेखा, आज तक तो तुम्हें सही की कभी परवाह नहीं हुई है। एक मिनट शिवानी, छोड़ो ना बहस नहीं करते, विराट और सही को अंदर लेते हैं, चलो आ जाओ। और हाँ नजर उतारने की बात है तो एक मिनट, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे और मेरे बेटे को भी, ठीक है? दादा मैं कब से आप लोगों का फोन ट्राई कर रहा था। वहिनी अब आप ठीक है ना? हो मोहित भैया, आपका प्ले टूर कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा था, सारे शोज हाउसफुल थे। मैं आज सुबह ही वापस आया हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे आपके बारे में बहुत लेट पता चला। और दादा आप वहिनी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने मुझे कॉल तक करके बताया नहीं। सबको मैंने ही मना किया था तुझे फोन करने के लिए, मुझे पता चलता और सब कुछ छोड़ छाड़ के तू यहाँ आ जाता। जो थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया है ना वो भी मिट्टी में मिल जाता। और तू यहाँ के करता भी क्या, डॉक्टर हो तुम, इसीलिए मना किया था मैंने। पर बाबा मुझे बस चुप। वहिनी जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं था। अरे नहीं आप क्यों माफी मांग रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। और देखिए अब तो मैं ठीक होके डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से घर वापस आ गई है ना। अरे मेरी चैंपियन, सिर्फ तू ही नहीं तेरे साथ साथ इस घर की देखना रौनक भी वापस आ गए। वरना तेरे बिना तो ये घर एकदम वीरान हो रखा था। उसे वीरान नहीं उसे शांति कहते हैं बुआ। मैं नहीं थी तो फिर घर में कोई बहस करने के लिए झगड़ा करने के लिए नहीं होगा ना, सब शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे है ना। बाड़ा ये तो बस हम ही जानते हैं तेरे बिना हमारा क्या हाल था। आपका हाल मैं समझती हूँ मानसी बुआ, लेकिन जैसा आपका हाल था वैसा इस परिवार के हर सदस्य का नहीं होगा ना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.